कुंवर विजय प्रताप सिंह आईपीएस 1998 बैच एमए एलएलबी एमबीए और पीएचडी। ये परिचय पंजाब पुलिस के आईजी पद से इस्तीफा दे चुके कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपने ट्विटर प्रोफाइल में लिखा है। बिहार के रहने वाले हैं लेकिन फर्राटे से पंजाबी बोलते हैं। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आपको और कई रोचक चीजें मिल जाएंगी। वह यूट्यूब वीडियो में क्लास 10th के बच्चों को गणित पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। एक वीडियो में वह स्टेज पर गाना गाकर महेंद्र कपूर को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, वह 2017 में पंजाबी फिल्म यारा द यार में काम भी कर चुके हैं। पंजाब के जाने माने पुलिस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह की शख्सियत के ये कुछ पहलू हैं। पुलिस की नौकरी में उन्होंने कई हाई प्रोफाइल खुलासे किए, अपने साथ ही कई पुलिस अधिकारियों पर ही केस दर्ज कर दिए। रिटायरमेंट से 8 साल पहले ही नौकरी छोड़ दी। अब 21 जून सोमवार को वे आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के चहेते होने के बावजूद उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन क्यों थामा, आइए तफसील से जानते हैं कुंवर विजय प्रताप की पुलिसिया पारी और राजनीतिक दांव के बारे में। कुंवर विजय प्रताप सिंह का नाम सबसे पहले 2002 में अमृतसर में पोस्टिंग के दौरान सुर्खियों में आया। वह अमृतसर में एसपी सिटी 1 के तौर पर तैनात थे। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने में स्पेशलिस्ट कुंवर विजय प्रताप सिंह ने बरसों से चल रहे किडनी रैकेट का पर्दाफाश किया। उन्होंने शहर के नामी डॉक्टरों, वकीलों और पुलिस वालों को इस केस में नामजद किया। विजय प्रताप सिंह ने शहर के नामी डॉक्टर प्रवीण सरीन को गिरफ्तार किया। उनके साथ ही सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी अरेस्ट किया। इस केस की धमक न सिर्फ पंजाब बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी सुनाई दी। पंजाब पुलिस के मुताबिक आस पड़ोस के प्रदेशों से आने वाले मजदूरों को एजेंट अपने चंगुल में फंसा लेते और उनकी किडनी निकाल लेते थे। मजदूर को चंद हजार रुपए देकर रफा दफा कर दिया जाता। डॉक्टर और मिडलमैन इसमें लाखों रुपए कमाते। इस केस में साल 2013 में 5 बड़े डॉक्टरों और एक रिटायर्ड पुलिस अफसर को 8 साल की सजा हुई। पंजाब के एक सीनियर जर्नलिस्ट का कहना है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह की छवि एक ईमानदार लेकिन अड़ियल पुलिस अधिकारी के तौर पर रही है। उनके सीनियर अधिकारी भी उनसे बात करने में कतराते थे, साथ काम करने और जूनियर अधिकारियों का तो कहना ही क्या। पंजाब में जहां भी उनकी पोस्टिंग रही वह एक कड़क पुलिस अधिकारी के तौर पर जाने गए, लेकिन अमृतसर से उनका खास लगाव रहा। कुंवर विजय प्रताप सिंह के करियर को करीब से देखने वाले एक सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं कि उनकी पहचान एक बेदाग छवि के पुलिस अधिकारी के तौर पर थी। वे जिस जिले में रहे उनके ऑफिस में आम लोग सीधे जाते थे। कई लोग काम न होने की नाराजगी जताते थे लेकिन वे बहुत ठंडे दिमाग से उनसे डील करते थे। दूसरी तरफ वे अपराधी और नेताओं को लेकर बड़े सख्त थे, किसी से भी भिड़ जाने में गुरेज नहीं करते थे। 2009 में भी ऐसा ही एक वाकया हुआ। उस वक्त कुंवर विजय प्रताप सिंह की अमृतसर नॉर्थ से बीजेपी विधायक अनिल जोशी से किसी बात को लेकर ठन गई। कुंवर ने विधायक की एक न चलने दी। अनिल जोशी उनके तबादले की मांग करते हुए अनशन पर बैठ गए। मामला दिल्ली तक पहुंचा, कुंवर विजय प्रताप सिंह का तबादला कर दिया गया। इधर कुंवर की तरफ से सिविल सोसाइटी के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने हाईकोर्ट में फैसले को चैलेंज कर दिया। हालांकि बाद में मामला रफा दफा हो गया, लेकिन कुंवर विजय प्रताप सिंह के साथ काम करने वाले और नेता यह अच्छी तरह से जान गए कि दबाव में उनसे कोई काम करवाना टेढ़ी खीर है। साल 2015, पंजाब का फरीदकोट जिला। जिले के बुर्ज जवाहरवाला गांव में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी हुई। 12 अक्टूबर 2015 को फरीदकोट के ही बरगाड़ी गांव में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ फटे हुए पन्ने मिले। इसके बाद कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। 14 अक्टूबर 2015 को फरीदकोट के कोट कपूरा और बहिबल कला में ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन में लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान 2 लोग मारे गए, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोट कपूरा में पुलिस लाठीचार्ज में काफी लोगों को गंभीर चोटें आईं। इसकी जांच के लिए तत्कालीन प्रकाश सिंह बादल सरकार ने जांच कमीशन बनाने के आदेश दिए। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया गया। बाद में इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई। साल 2017 में जब पंजाब में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने इस घटना के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने का चुनावी वादा कर दिया। सरकार में आने के बाद पंजाब के अमरिंदर सिंह सरकार ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यों की एसआईटी गठित कर दी। कुंवर विजय प्रताप सिंह को पहले इसका सदस्य और बाद में एसआईटी का मुखिया बना दिया गया। विजय प्रताप सिंह ने पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल और फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार तक से इस मामले में पूछताछ की, लेकिन कोट कपूरा और बहिबल कला मामले के एक आरोपी इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह ने
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। एसआईटी हेड कुंवर विजय प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप ये कि वह इस मामले की जांच राजनीतिक संरक्षण में कर रहे हैं, उनका रवैया भेदभावपूर्ण है। ये भी कहा कि जब याचिकाकर्ता ने इस मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी तो आईजी ने उन्हें याचिका वापस लेने की धमकी दी। याचिकाकर्ता ने मामले की जांच कर रही एसआईटी से कुंवर विजय प्रताप सिंह को हटाने की मांग की, साथ ही रिपोर्ट को रद्द करने के लिए भी प्रार्थना की। याचिका पर पंजाब सरकार ने कुंवर का पक्ष लिया, कहा कि याची यानी कि इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह संगीन मामले में आरोपी है, वह कैसे एसआईटी पर आरोप लगा सकता है। अगर ऐसे आरोपों से एसआईटी में बदलाव किया गया तो इससे न सिर्फ जांच प्रभावित होगी बल्कि एसआईटी का मनोबल भी गिरेगा। कुंवर विजय प्रताप सिंह पर लगाए सभी आरोप गलत हैं। वे पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रहे हैं। समय का पहिया घूमा। 9 अप्रैल 2021 हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और कुंवर विजय प्रताप सिंह की दलीलों को सिरे से नकार दिया। याची की बातों से सहमति जताई। हाईकोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया, कहा कि एसआईटी की जांच का तरीका ही गलत है। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया कि कुंवर विजय प्रताप सिंह को एसआईटी से हटाया जाए और किसी अन्य अधिकारी को शामिल किया जाए। केस हारने के बाद कुंवर विजय प्रताप सिंह ने एक पंजाबी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं अब भी अपनी जांच पर कायम हूं। ऐसी जांच रिपोर्ट देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई तक नहीं कर सकती। हम हाईकोर्ट में केस उन बड़े बड़े वकीलों की वजह से हारे हैं जिन्होंने सरकार से पैसा लिया लेकिन दोषियों के साथ खड़े नजर आए। मैं जब दिल्ली में इन बड़े बड़े वकीलों के घर पर जाता था तो मुझे चपरासी की तरह बाहर इंतजार करवाया जाता था। इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। कुंवर विजय ने यह भी आरोप लगाए कि सरकार को पत्र लिखने के बाद भी हमारे गवाहों को सुरक्षा नहीं मिली। हमारी लीगल टीम कमजोर थी। जिस दिन हाईकोर्ट ने मामला खारिज किया उस दिन भी एजी मेडिकल लीव पर चले गए थे लेकिन हाईकोर्ट तो फैसला दे चुका था। इस फैसले से कुंवर विजय प्रताप सिंह के साथ साथ पंजाब सरकार की भी बहुत किरकिरी हुई। विपक्ष ने भी अमरिंदर सरकार और उन्हें निशाने पर लिया। हाईकोर्ट का फैसला आने के दो दिन बाद यानी 11 अप्रैल 2021 को कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि सीएम अमरिंदर सिंह इनकार करते रहे। इस्तीफे वाली चिट्ठी में कुंवर विजय प्रताप सिंह ने लिखा, मुझे काफी समय पहले सूबे में पोस्टिंग मिली। मैंने पूरी ईमानदारी से सेवा की। अमृतसर किडनी स्कैम में भी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। कोर्ट कपूरा कांड में भी जब मुझे जिम्मेदारी मिली मैंने हर पहलू पर जांच की। हम अंतिम पड़ाव के करीब पहुंच चुके हैं। मुझे न्याय प्रणाली पर पूरी तरह भरोसा है। मैं समय से पहले ही रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। मेरी अर्जी मंजूर की जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुंवर विजय प्रताप सिंह के स्वैच्छिक रिटायरमेंट की मांग को ठुकरा दिया, कहा कि उनकी सेवाओं की जरूरत है। सीएम ने कहा, कुंवर विजय प्रताप सिंह की सेवाओं की ऐसे समय में बहुत जरूरत है जब पंजाब विभिन्न आंतरिक व्यवहारिक खतरों का सामना कर रहा है। अनुभव और महारत रखने वाले कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पंजाब पुलिस में अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए बेहतरीन सेवाएं दी हैं। वे एक कुशल, काबिल और साहसी अधिकारी हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बेमिसाल है। इसके बाद 15 अप्रैल को कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि उनका इस्तीफा स्वीकार करने को चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह राजी हो गए हैं। कयास लगाए गए कि अमरिंदर सिंह से नजदीकी के चलते वे कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने आखिरी समय तक अपने पत्ते नहीं खोले और 21 जून को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। उनकी अहमियत का अंदाजा इससे भी समझा जा सकता है कि खुद अरविंद केजरीवाल उन्हें पार्टी ज्वाइन कराने के लिए पंजाब पहुंचे। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कुंवर विजय प्रताप को नया नाम भी दे दिया, उन्हें आम आदमी का पुलिसवाला कहा। जिस पुलिस अधिकारी को रिटायरमेंट ना लेने के लिए खुद सीएम मनाए उसे पार्टी में लेना कौन सी बड़ी बात थी। सबके मन में यही सवाल था, आखिर क्या बात हो गई थी जो कुंवर विजय प्रताप सिंह कांग्रेस की बजाय आप में गए। उनके एक करीबी दोस्त बताते हैं, कुंवर विजय प्रताप ने यह सियासी कदम बहुत सोच समझकर उठाया है। उन्हें पार्टी में लेने के ऑफर सिर्फ कांग्रेस से ही नहीं अकाली और बीजेपी की तरफ से भी थे। किसान आंदोलन के चलते बीजेपी में जाने का कोई मतलब नहीं था। अकाली दल के सरकार में रहते ही किसान कानून बना, ऐसे में पंजाब की जनता में उसकी छवि भी आमतौर पर किसान विरोधी ही है। अब बची कांग्रेस, तो अमरिंदर सिंह ने सरकार में आने के वक्त जो बड़े बड़े वादे किए थे उन्हें पूरा करने में वो असफल रहे। ऐसे में कुंवर विजय प्रताप सिंह को आप एक बेहतर विकल्प नजर आया। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं है, साथ ही दिल्ली मॉडल की बात भी होने लगी है। कुंवर विजय प्रताप सिंह ने नाप तौल कर ये फैसला लिया है। पंजाब में अगले साल विधानसभा इलेक्शन होने हैं, इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। ऐसे में कुंवर विजय प्रताप सिंह की विधानसभा सीट को लेकर भी कयासबाजी शुरू हो गई है। कुंवर विजय के करीबी सूत्रों का कहना है कि वह अमृतसर नॉर्थ की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं।
फिलहाल इस सीट से कांग्रेस का विधायक है। अब देखना यह है कि सीएम अमरिंदर सिंह के चहेते रहे कुंवर आने वाले चुनावों में उन्हें कैसे चुनौती दे पाते हैं।